ये सोच रहा था कि हमारे टाइम में जैसे ऐसे कुछ आज के टाइम में जैसे उसको गाइड करने के लिए बहुत कुछ लाइन मिलता है, तो हमारे टाइम में ऐसे लाइन मिल रहा होता तो मैं आज इस जगह पे नहीं होता सच बोल। जो चीज के लिए जो हो गया देखिए ट्रेडिशनल वे में बात हो गई, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, आपको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या होगा मैं उसके लिए बात करने के लिए आया। अभी हो गया वो थ्योरी बेसिस में चल रहा था, ठीक है। अभी जो मैं चीज कराएंगे मेरा 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, पूरा ध्यान पूर्वक करना है। बीच बीच में आपको लग रहा है कुछ लिखने का जरूरत है तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपको 10 मिनट तक आसपास टाइम लगेगा, आंखें बंद करके कुछ एक्सरसाइज, आंखें बंद रखना पड़ेगा, बीच में आंखें खोलना नहीं है, कुछ एक्सरसाइज होगा उसमें आपको एक्टिविटी होगा कुछ। देखिए ऐसे कुछ नहीं है, आंखें बंद करके जितना है सब सीधा होकर बैठ जाइए, जितना होगा सीधा होकर जब बैठने के लिए बोलेंगे ना सीना जो है थोड़ा सा आगे कर लेना है, 2 mm पहले काट लेना है और मेरुदंड का बिल्कुल सीधा रखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और पहला है लाइट हाउस, देखे है क्या लाइट हाउस? देखे पता है किसी को? समुद्र में होता है जहाज के। हाँ सही बोला, कोई किसी को मतलब लाइट हाउस नाम सुने है तो सब सुने ना, लाइट हाउस कैसे होता है? आप इसमें थोड़ा प्रताप सही हो आसपास में, तो आपको आइडिया मिल गया ना हमारा। एक तो लाइट हाउस बड़ा होता है उसमें तो लाइट रहता है, इसके नीचे से एक तो सीढ़ी रहता है, इसमें आदमी चढ़ सकते हैं ऊपर। इतना है, एक तो चीज करना है हाथ को ऊपर करना है, दोनों हाथ को ऊपर पहले देख लीजिए, हाथ ऊपर करना है सांस को भरते हुए, और जब हाथ जब नीचे आएगा सांस को छोड़ देना है, जब हाथ ऊपर करेंगे सांस को भर लेना है, ऐसे करेंगे कर पाएंगे, सांस को भरना है और सांस को छोड़ देना है। ऑलवेज डोर इज ओपन, ऑलवेज डोर इज ओपन, ऑलवेज डोर इज ओपन, कोई अंदर भी आ सकता है कोई बाहर भी जा सकता है। एक तो पिक टाइम होता है जो 1 in 2 in 3 in 4 in 5 in relax, आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करते हुए आराम से बैठिए, धीरे धीरे सांस अंदर और सांस बाहर, एकदम धीरे धीरे सांस अंदर और सांस बाहर। पूरा ध्यान दोनों पांव में लेके आइए, आपका स्टोमक, किडनी, पेंक्रियास, हार्ट, लंग्स धीरे धीरे शांत हो चुका है और धीरे धीरे एक वाइब्रेशन को अनुभव कीजिए, धीरे धीरे और एक सांस अंदर और सांसों को बाहर छोड़ते हुए, दोनों हाथ का ऊपर ध्यान लेके आइए और दोनों हाथ को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, धीरे धीरे और एक सांस अंदर और सांसों को बाहर छोड़ते हुए पूरा ध्यान को चेहरा में लेके आइए, और चेहरा में जो आपका आईज, नोज, चीक, चिन सबका एकदम ढीला छोड़िए, एकदम ढीला। इस अवस्था में आपका पूरा शरीर अभी शांत हो चुका है, पूरा लाइट हो चुकी है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाइट हाउस उसका शिखर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और आप धीरे 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 वो लाइट हाउस के पास पहुंच चुके हैं, और धीरे धीरे अंदर घुसे लाइट हाउस के अंदर, उसके अंदर सीढ़ी है, अब जंगल से बाहर आ रहे हैं। जैसे आप जंगल से बाहर आ रहे हैं तो आप
आपके अंदर खुशी में खुशी भरपूर हो जा रहा है, आप आनंद के साथ झूम रहे हैं, क्योंकि आप जंगल के अंदर अभी भटक रहे थे, आपको रास्ता मिल गया बाहर आने के लिए। धीरे धीरे हाथ और पांव में उंगली को हिलाने के लिए कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हाथ और पांव का उंगली को हिलाइए। अभी दोनों हाथ का हथेलियों को गर्म कर लीजिए, रबिंग ऑफ योर टू प्लम आंख के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे आपको मन। तो पहले क्या हुआ, आप जंगल के अंदर भटक रहे, अभी जो आप लोग काम कर रहे, मतलब कभी आपका इधर कभी उधर कभी इधर, किसमें आप लाइफ को सेटल करेंगे, आपको फिक्स करेंगे, अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है, कभी लग रहा है जिसको इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। ऐसे शायद जो लड़का है लड़का का 100% होगा मेरे ख्याल से, कभी इसमें कभी नहीं मिल रहा है, कभी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसमें मेरे को हो जाएगा, अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, इसमें आने से ही होगा, ऐसे कॉन्फिडेंस आपको अंदर में बिल्डअप नहीं हो रहा है। और उस टाइम क्या हुआ, आपको दूर में एक लाइट हाउस दिखाई दे रहा है, आप उसके ऊपर जैसे चढ़ गए तो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, मेरे को वही रास्ता में ही निकलना है, सबका लाइफ के लिए एक ही रास्ता है, उसमें आपको निकलना है। आप मेहनत करके बाकी जो रेस्ट जिंदगी है उसको आप बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं, नहीं 5 साल को मजा में मजा करते हुए पूरा जिंदगी को खराब बनाना चाहते हो, आपका ऊपर सोच रहा था कि हमारे टाइम में जैसे ऐसे कुछ आज के टाइम में जनरेशन को गाइड करने के लिए बहुत कुछ मिलता है, तो हमारे टाइम में ऐसे लाइन मिल रहा होता तो मैं आज इस जगह पे नहीं होता, सर मोदी सर के जगह पे होता, नहीं तो वो फिल्म स्टार होता है कुछ भी, तो गोल जो जो भी रहता है सुबह उठ के क्या करना है मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम सोते रहते बस मोबाइल पकड़ के, तो वो जो है ना वो चीज हमारा टाइम होता ना अच्छा रहता कि हम लोग आज के दिन क्या करना है, और ये बहुत खतरनाक चीज है, वो कुछ भी कर सकता है लेकिन उसको रास्ता देना पड़ेगा, आप उसको रास्ता ही नहीं दे रहा है, तो वैज्ञानिक बनने से विश्वास हो जाता है। जितना बड़ा आदमी है, जितना बिलियनर्स है सब 4 बजे उठता है, जितना आपका मल्टी टैलेंटेड आदमी है सुबह 4 बजे उठता है, तो 4 बजे क्यों, तो उसका बारे में डिटेल होता है। रात का 10 से 2 बजे तक जो नींद होता है वो डीप स्लीप होता है, पूरा आराम से आप नींद लेते हैं 10 से 2 बजे तक, 2 बजे के बाद आपका नींद और उतना अच्छा नहीं होता है, वो धीरे 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 आपका कम जाता है, मतलब आप सो के रहता है इधर उधर सोचने लग जाता है और कुछ नहीं। जैसे आप 4 बज जाता है, हम लोग का ब्रेन जो है इसमें 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है, 86 बिलियन ऑफ न्यूरॉन, इसके ऊपर और भी 300 डालेंगे तो हो गया ट्रिलियन, तो इतना आपका, और उसको स्टोर कर लेते हैं दिमाग में, आप सही तरीके से सुनेंगे तो आपको याद रह जाएगा, आप उसमें याद रह जाएगा, घर में भी सब बोलता है लेकिन क्यों बोलते हैं, सुबह याद रहता है बस इतना ही है, याद रहता है जस्ट याद रहता है बस वही फंडा है, लेकिन साइंटिस्ट लोग अभी बोल रहे हैं ऐसे आपका ट्रिलियन। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कीजिए, बस बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपको सबका सामने बोलना है, पता होगा कि ये क्या करने वाला है, उसके थ्रू वो सपोर्ट भी कर लेते हैं, जिधर भी जो जॉब निकलता है यार मेरा दोस्त है उसको बोल देते हैं ये चीज में। ये देखिए जो कोई भी चीज जैसे आप सब दोस्त को जैसे डिस्क्लोज कर देते हैं, तो आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा ना आपका दोस्त भी, जैसे आप संस्था को थोड़ा सा बारे में बताएंगे तो उसका आपको गर्व होना चाहिए। ये आप लोग का जो संस्था है गवर्नमेंट का है, ये डायरेक्ट हम लोग का प्रधानमंत्री जी ये चालू किया है, तो इसके अंदर अभी उतना स्कोप नहीं मिल रहा लेकिन उसका दिमाग में है, तो पहले से आप उसको रेडी होकर रहेंगे ना, जैसे स्कोप निकल के आएगा आपको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और उसके साथ साथ आप ये सोच लीजिए मेरे को वो भी नहीं मिलेगा तो मेरे को खुद के लिए, मतलब मैं खुद वो कर सकता हूँ, ये तो टेक्निकल लाइन है, गवर्नमेंट का जॉब भी नहीं मिल रहा है तो इतना रिक्वायरमेंट आ रहा है मार्केट में, मैं उस चीज को करके आराम से उसको कर सकता हूँ। तो जितना हो सकता है आप जो संस्था के साथ जुड़े हैं, ये गवर्नमेंट का संस्था है, उसका भी आपको प्रचार करना है, मतलब जो आपको ड्रेस दिया गया है वो पहन के ही आना है, एक तो कैसे खड़ा कर रहे हैं ना, आधा देखिए अलग ड्रेस में है आधा अलग ड्रेस में है,
सब एक डिश को सुनता है तो थोड़ा सा क्लीन नजर नहीं आ रहा, क्लीन नहीं लग रहा है, नजर नहीं आएगा, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।